दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में मजीठिया भवन सभागार में रविवार को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। परिनिर्वाण दिवस पर अपने उद्बोधन में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने कहा कि देश के प्रति बाबा साहब का त्याग और सेवा भाव अद्भुत था। उन्होंने बाबा साहब को संविधान शिल्पी एवं राष्ट्र शिल्पी बताया। उन्होंने बाबा साहब को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अपील की है कि वे भी अपने कठिन परिश्रम से कम एक अंबेडकर पैदा करें ताकि समाज और बेहतर हो सके। इस दौरान प्रोफेसर रूसी राम महानंदा, डॉक्टर कपिंद्र, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह और डॉक्टर अमित उपाध्याय ने भी बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार राय, डॉक्टर प्रभुनाथ, डॉक्टर संजय कुमार राम, डॉक्टर राजेश कुमार सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राएँ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा भारत के धर्म में आऊं और भारत से विरत किसी धर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उसके कारण है और कहीं भी कोई भी आपसी ये सरकारों की कूटनीति है। राजनीति तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि उनका नाम डॉक्टर ऋषि राम महानंदा था, तो महानंदा लोग समझ नहीं पाते थे और हमारे सम्मानित शिक्षक हैं और सभी हम भाई हैं। कल मान लीजिए ये स्टेट चार भागों में पड़ जाए तो फिर हमारे उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता है, सभी के हैं, ये संविधान के तहत विश्वविद्यालय चल रहा है, इसलिए हम जैसे समाज के प्रोफेसर चंद्रशेखर SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में अध्यक्ष विधि विभाग एवं संकाय अध्यक्ष विधि विभाग। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ खास है आज परिनिर्वाण के दिवस के अवसर पर? विशेष रूप से आज यह श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम बाबा साहब को श्रद्धा सुमन के साथ साथ अपने जो दलित समाज के प्रति जो एक तरह से कुरीतियां हैं उनको जो बाबा साहब ने समाज को ऊपर उठने के लिए कुछ सुझाए हैं उन्हीं के संदर्भ में हम अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं।